हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ। आज से मैं एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फोटोशॉप। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप होता क्या है? फोटोशॉप, जैसे कि इसके नाम से ही मैं पता लगता है, ये फोटो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, या हम इसे एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इसमें इमेज से रिलेटेड काम किया जाता है ज्यादातर। इमेज एडिटिंग क्या है? इमेज एडिटिंग में हम किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी के फेस पे कोई पिंपल्स है या कोई दाग है तो हम उसको आसानी से इसमें रिमूव कर सकते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में बोले तो ये एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक दो तरह के बनाए जाते हैं, वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक। तो वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक वह ग्राफिक होता है जो किसी लाइन से या कोई पास से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। रास्टर ग्राफिक वह ग्राफिक होता है जो बहुत सारे पिक्सलों से मिलकर बना होता है। यह हम बोल सकते हैं कि वह ग्राफिक जो बहुत सारे पिक्सलों से मिलकर बना होता है रास्टर ग्राफिक कहलाता है। तो यार ये पिक्सल होता क्या है? पिक्सल, जब हम किसी इमेज को जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमें एक बॉक्स बॉक्स सा दिखाई देता है। ये बॉक्स होते क्या है? इन बॉक्सों में आरजीबी कलर होता है। जितने ज्यादा हमारे बॉक्सेस होंगे उतने ज्यादा हमारे कलर्स होंगे। जितने ज्यादा हमें कलर्स ज्यादा होंगे तो हमारी फोटो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एक 48 मेगापिक्सल और एक 12 मेगापिक्सल से किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि जो 48 मेगापिक्सल से हमने फोटो क्लिक करी होगी उसको हम ज्यादा जूम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल। तो अब ये बात आती है कि फोटोशॉप को यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो आइए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो फोटोशॉप का यूज एड्स में, बैनर में, फेसबुक प्रमोशन में, मोशन ग्राफिक में, लेआउट डिजाइन में, यूआई यूएक्स डिजाइन में, 3D मैट पेंटिंग में किया जाता है। मैट पेंटिंग क्या होता है? मैट पेंटिंग में हम किसी वैसे सीन ऐसे सीन को क्रिएट करते हैं जो कि होता ही नहीं है ज्यादातर, तो हम उसमें फोटोशॉप में कटिंग करके ऐसा इमेजेस को लगा लगा के हम उसको एक सीन क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं और उसमें एक कैमरा लगा के हम उसको ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे हम उसी सीन में हमने शूटिंग किया हो। तो ये VFX में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब मैं VFX का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको आसानी से आपको बता सकूंगा कि कैसे हम इसमें कैमरा लगाते हैं, कैसे फोटोशॉप में मैट पेंट बनाते हैं। तो इसमें वीडियो से रिलेटेड भी काम किया जाता है। यार मैंने बहुत सारे स्टूडियो में काम किया हुआ है तो वहां पे जो कोई शॉट न्यूक पे नहीं होता था, न्यूक VFX का सॉफ्टवेयर है, उसको भी मैं बाद में आगे स्टार्ट करूंगा, तो न्यूक पे नहीं होता था तो उसको हम फोटोशॉप पे लाके फ्रेम बाय फ्रेम कर लिया करते थे। जैसे कि वायर रिमूवल हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हटाना है तो हम उसको आसानी से वहां पर कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर के कोई ना कोई फॉर्मेट होते हैं, तो फोटोशॉप के भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं जैसे कि PHD, JPEG, TIFF, TARGA, PNG, GIF, BMP, इनका यूज ज्यादातर किया जाता है। मैं भी इनका यूज बहुत ज्यादा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे फोटोशॉप के वर्क स्पेस के बारे में, इंटरफेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।